अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आए जिसको एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी है, लेकिन हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि उसका कॉज क्या हो सकता है, आया कि ये लैब्रम की वजह से इन्वॉल्वमेंट आ रही है, या मस्कुलर इशू की वजह से आ रही है, या फिर जो है आपका लिगामेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ रही है, लिगामेंट या कैप्सूल की वजह से आ रही है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेस्ट हम कर सकते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कॉज ऑफ इशू क्या है, कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास के लैब्रम इन्वॉल्वमेंट है, स्लैब टियर तो नहीं है, या फिर लिगामेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपकी मसल्स की वीकनेस की वजह से इंस्टेबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए, और दूसरा हमारे पास मेन सिम्टम जब इंस्टेबिलिटी आ रही होती है तो दो चीज़ें मिल रही होती है। फ्यूचर में तो हमें लगता है कि वो आपका जो हेमरल हेड है वो बाहर की तरफ आ रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है पेन, तो पेन भी जो है आप उससे पूछते हैं, वो भी आपको फीचर दे रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है कि किस डायरेक्शन में क्या कॉज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे। पेशेंट आ रहा है आपके पास इंस्टेबिलिटी के साथ और आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि कॉज क्या है, तो उसके लिए हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका लेफ्ट साइड है, देखो सबसे पहले जब लेफ्ट साइड है तो उसमें सबसे पहले जो टेस्ट आपको करना चाहिए एंटी एप्रिहेंशन टेस्ट करना चाहिए कि आप एंटी इंस्टेबिलिटी को देखना चाह रहे हैं। तो एंटी एप्रिहेंशन टेस्ट जब आप लैटरल रोटेशन में लेकर जाओगे, उसके शोल्डर को लैटरल रोटेशन में लेकर गए, सुपाइन पोजीशन में, जैसे लैटरल रोटेशन में जाएंगे तो पॉसिबिलिटी होगी पेशेंट जो है पेनफुल होगा, एप्रिहेंशन चेहरे पे शो होगी उसके, जो पेन आ रहा है, जैसे मैं लेके जाऊंगा तो चेहरे पे उसके शो होगा, ठीक है, पेनफुल है। अब यहाँ पर इसको रीलोकेट कर सकते हैं, जब आप रीलोकेट कर देंगे तो पेन ख़त्म हो जाएगा। वापस जो है मैं उसको पेशेंट को मैं अचानक से अगर छोड़ता हूँ और दोबारा वो हेड बाहर की तरफ आएगा तो पेनफुल होगा, और दोबारा रीलोकेट कर दूंगा पेन सबसाइड हो जाएगा। तो अगर एंटीरियर स्टेबिलिटी की वजह से पेनफुल है और एप्रीहेंशन आ रही है, पेनफुल एप्रीहेंशन आ रही है, तो आपको इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। रीलोकेट किया देन सरप्राइज दिया, यानी विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेशेंट आई एम रिमूविंग माई हेड, ऐसे रखा हुआ था और मैंने छोड़ दिया और पेनफुल दोबारा हो जाएगा, वापसी रख दूंगा तो सबसाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप एंटीरियर इंस्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कॉज क्या हो सकता है इसका, एंटीरियर इंस्टेबिलिटी को किस वजह से ये इन्वॉल्व हो रही है। तो यहीं पर ही आप बाइसेप लोड टेस्ट वन कर सकते हैं, इसी पोजीशन पे लेके जाएंगे आप लैटरल रोटेशन के साथ, ठीक है, और पेशेंट का जो है वो रोटेट कर लिया आपने, सुपिनेट कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने ये कह लें कि पूरा आर्म को सुपिनेट कर लिया टुवर्ड्स द फेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, यही पोजीशन रखी हुई। अब जब आपके जैसे ही यहाँ पर पेन शुरू होता है तो यहाँ पर हम रीलोकेट कर देंगे। रीलोकेट के बजाय आप पेशेंट को कहेंगे मेरे हाथ को पुश करें, यानी एल्बो को फ्लैक्स करें इस पोजीशन पर, इतना फ्लैक्स करें कि मैं रोक सकूं, ठीक है। अब ये फ्लैक्स कर रहे हैं, अब यहां पर अगर पेन सबसाइड हो जाए, यानी ये क्या कर रहे हैं, बाइसेप को यूज करें। बाइसेप कहां पर अटैच्ड है, लैब्रम पे। जब वो बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेन बढ़ जाना चाहिए, अगर लैब्रम पे है तो पेन क्या होगा, कम हो जाएगा। जब पेन कम हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या हुई कि लिगामेंट्स इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, लैब्रम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको स्टेबलाइज कर दिया हेड को और पेन कम हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बाइसेप लोड टेस्ट वन से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लैब्रम अगर पेन बढ़ जाता है तो लैब्रम की वजह से होगा, और पेन अगर कम हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है लिगामेंट्स की वजह से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, क्योंकि मसल्स ने उसको स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि लैब्रम की वजह से हो रहा है या लिगामेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।